लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो। इश्क किया था, हक से किया था, सिंगल भी रहेंगे तो हक से रहें। मैंने कहा बेस्ट लड़की यही तो चाहिए लाइफ में। तीन चार बार और मिले, मैंने पांचवी बार में प्रपोज कर दिया उसको। मैं कहा सुनो इधर आओ, कहती हाँ मैं आई लव यू। कहती कि नहीं मैंने तुमको बताया था ना। मैंने कहा हाँ, नहीं 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 जवाब नहीं चाहिए, आई लव यू। पर मैं कुछ मतलब मैं क्या अरे पर मैं क्या नहीं चाहिए तुम्हारे। बोले तो क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्यार कर रहा हूँ, रुमाल रख रहा हूँ। रुमाल रख रहा हूँ। बोले कोई इफेक्ट? मैंने कहा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, चलने दो, चल 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 कृष्ण चल 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 चल। और फुल बढ़िया हंकी डोरी चल रहा है भाई, सब भयंकर। पता है ना जब आप किसी से एक तरफा प्यार में होते हो ना, वो सबसे सबसे खूबसूरत फेज होता है। पहली बात तो मैं एक बात आज तक किसी ने कही नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। एक मिनट, सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और वन साइड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। मन में है इश्क तो है, और कितना वॉलेटाइल, इतना एक्शन से भरा हुआ होता है, पता है एक तरफा प्यार। क्यों पता है? रिलेशनशिप में ना जिस दिन प्यार होता है उस दिन आप जीत जाते हो, जिस दिन ब्रेकअप होता है उस दिन आप हार जाते हो। लेकिन वन साइड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो। मेरा ये क्या होता है नॉनचलांट? मैंने कहा मैं बाथरूम में से दो बार यूज़ करे, तीसरी बार पूछ ले तो। मैं बाथरूम में गया, मैंने निकाला फ़ोन अपना, मैंने कहा नॉनचलांट मतलब ही निकल गया उसका। गूगल भी खड़ा हुआ साइड में। मैंने कहा बताना। मैं कहा बताना। कहता नहीं बताऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है भाई। मैंने कहा 25 बार ट्राई किया होगा। मैंने कहा कुछ आसपास का हो तो बता देना। कहता भाई आसपास का हो तो मैं खुद ही डिड्यूमिन करके पूछ लेता। मैं कहा ठीक, मैं कहा ढूंढता हूँ मैं कुछ और करता। भाई 25 ट्राई के बाद उनने आगे से कहा कि सुन नॉन छलान ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले अरे तो एस एच क्यों लिख रहे सीच? मैंने कहा यार तो बताना यार, ग्रामर जज कर रहे हैं, बता दो क्यों नहीं। भाई 25 मिनट हो गए, मेरे दिमाग में अभी नॉन छलान का मतलब मिनिमम यूनिकॉर्न की टट्टी होना चाहिए। कितना एफर्ट चला गया इसमें भाई, 2G में कैसे जैसे करके खुला वो, मतलब निकल के आया एफर्टलेसली। मैं कहा एक मिनट, एक वर्ड दुनिया में जिसका ये मतलब नहीं हो सकता है वो है नॉन फकिंग शलांट। बेटा वो तो मैंने ऐसे प्यार से कि बेटा वो तो मैंने सही वक्त पे हानि की, वरना तो मुझे ही मम्मी कहता, ये बोल के छोड़ दिया। तब मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो यार पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आती है यार। तो कुछ भी कहो यार, बापू अपना हेयर स्टाइल लौंडा यार। अपन बातें बातें कर रहे इससे, और वहां पे ना टेबल पे वो रखे वो तीन डब्बे से नहीं होते, छोटे छोटे कप सरी के छोटे छोटे, एक में पानी भरा हुआ जिसमें कटी हुई हरी मिर्चियां तैर रही, दूसरे में मोमो वाली लाल चटनी, और तीसरे में पुदीने की हरी चटनी, और अपने को पुदीने की चटनी पसंद। तो ये वेफर लेके आया, अब वेफर ना बड़ा और चौड़ा, ठीक है, और वो चम्मच चुम्मच को देने रखी, ठीक है, तो अब वो मतलब जैसा वेफर समझ रहे ना, तो वो होने, तो मैंने ये उठाया पुदीने की चटनी वाला और पूरे वेफर पे ढोल लिया उसको, और अच्छे से बढ़िया स्प्रेड करके, जैसे मैंने पहला टुकड़ा खाया ना तो अंधेरा हो गया
और मैं क्या देखता हूँ, कैसे लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी खड़े हुए, उनसे दो कदम की दूरी पे राइट साइड में बाबा नानक आ गए। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप था उसके अंदर सडनली मैं देखता हूँ कि जीजस आ गए। दोस्ती इनकी सबके आपस में, कंधे पे हाथ रख रखा उन्होंने इसे। पीछे से आ रही अल्लाह की लाइट और इन चारों ने मुझे मिलके एक साथ बोला कि सुन, ये पुदीने की चटनी नहीं है। किन लोगों को पता है कि सुशी क्या होती है? हदड़े वदड़े के लोगों, किन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि सुशी क्या होती? कोई चिंता की बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता था। भाई आया बता के जाएगा। तो सुशी ना बेसिकली क्या होता है कि बदबूदार चावलों के बीच में टट्टी रखी होती है। कुछ मिस नहीं किया तुमने जिंदगी में? कुछ नहीं। जिसको ना जहर के साथ खाना होता है, उस जहर का नाम क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, वसाबी भैन की टकी नाम होना चाहिए उसका। भाई मेरे तन बदन में आग लग गई यार, जितने छेद थे सब खुल गए।